शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं अब आप लोग को पढ़ाऊंगी पेज नंबर 24। इसके पहले मैं आप लोग को आ की मात्रा के शब्द मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो कि पेज नंबर 22 में है। देखिए आप लोग, ये आ की मात्रा वाले शब्द मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी आ की मात्रा से पोयम। यानी हम पहले क्या सीखते हैं, हम पहले स्वर सीखते हैं, फिर व्यंजन सीखते हैं, फिर हम बिना मात्रा वाले शब्द लिखना सीखते हैं, जब हम स्वर व्यंजन मात्राएं ये सब सीखने के बाद हम क्या सीखते हैं, शब्द बनाना। यानी हम जो व्यंजन सीखते हैं, यानी हम अ टू अह क टू ज्ञ जो हम सीखते हैं, उसके बाद हम दूसरा तीसरा चौथा स्टेप रहता है, हमको शब्द बनाना रहता है। यानी हम क्या करते हैं, शब्द बनाने का प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो हम पहले बिना मात्रा वाले शब्द सीखते हैं, लिखना। शब्द क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको कलम लिखना हुआ, क ल म क्या हुआ, ये शब्द हो गया। अक्षर क्या हुआ, अ क अलग लिखेंगे वो अक्षर होगा, ल अलग लिखेंगे वो अक्षर हो जाएगा। और शब्द क्या होगा, हम जो उसी व्यंजन से, स्वर और व्यंजन से जो मिला के बनाते हैं, लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शब्द। ओके, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं इसके पहले आप लोग को पेज नंबर 23 में आ की मात्रा से, पहले देखिए बिना मात्रा वाले शब्द थे जो आप सीख लिए हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ बिना मात्रा वाले शब्द। उसके बाद आ की मात्रा वाले शब्द आए थे जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे क्या, कविता पढ़ेंगे, यानी हम वाक्य बनाना सीखेंगे। ओके, हम आ की मात्रा से क्या सीखेंगे, वाक्य बनाना। तो देखिए इसमें पेज नंबर 24 में आया हुआ है मजा आया, मजा आया, मैं यहाँ लिखी हूँ मजा आया। यानी देखिए इसमें आ की मात्रा है मजा, म जमे आ की मात्रा जा, मजा आ आ, या य में भी आ की मात्रा, अ में भी आ की मात्रा है, और य में भी आ की मात्रा है। ओके, तो अब हम क्या सीखेंगे, हम कविता पढ़ेंगे, किस चीज से, आ की मात्रा से हम कविता सीखेंगे। ओके, तो मैं अभी आपको, मैं बोर्ड पे लिखूंगी और सिखाते हुए आपको क्या करूंगी, आपको कविता सिखा दूंगी। तो देखिए पहला है, ये पेज नंबर 24 का है। तो देखिए, आसमान पर बादल छाया, आ स मा न, आसमान पर बादल छाया। ओके, आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया, गरज कर जल बरसाया। ओके, ये क्या है, कविता है, किस चीज से है, आ की मात्रा से कविता है। ओके ना, नेक्स्ट देखिए, छप छप करता कागा आया, छप छप करता कागा आया। ओके, छप छप करता कागा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। देखिए, तो हम अभी क्या सीखेंगे, हम चार लाइन सीखेंगे अभी, उसके बाद नेक्स्ट चार लाइन, ये आठ लाइन का कविता है आप लोग का। देखिए मजा आया, आप लोग देख लीजिए एक बार, ये देखिए मजा आया, ये फोटोज हैं, एक आदमी है, कौवा है यहाँ पे, यानी कागा है,
एक छोटा बच्चा है और एक छोटी बच्ची है, क्या कर रहे हैं बारिश में, ये लोग क्या कर रहे हैं भीग रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, बारिश में क्या कर रहे हैं भीग रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। इसी को मजा आया मतलब इन्जॉय करना, यानी बारिश में भीगने पे क्या आता है हम लोग को बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। ओके तो मैं अब आप लोग को देखिए आ की मात्रा से हम क्या पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं। आ की मात्रा से पहले हम शब्द सीखे, अक्षर सीखे, फिर शब्द सीखे, उसके बाद अब वाक्य। वाक्य मतलब कविता, हम एक एक लाइन जो सेंटेंस लिखते हैं वो वाक्य होता है। तो देखिए अभी मैं आप लोग को ये पोयम अच्छे से पढ़ाऊंगी और आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ये आ की मात्रा के क्या है, पोयम है, आ की मात्रा से पोयम है। तो देखिए आ, अ में आ की मात्रा आ, स म में आ की मात्रा मा, न आसमान, आ स मा न, अ में आ की मात्रा आ, स म में आ की मात्रा मा, न आसमान, प र पर, प र पर, ब में आ की मात्रा द ल बादल, छ में आ की मात्रा छा, य में आ की मात्रा या छाया, आसमान पर बादल छाया, आसमान पर बादल छाया, आसमान पर बादल छाया। ओके हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे, गरज गरज, गरज गरज, कर कर, कर कर, जल जल, बर समया की मात्रा सा, यमे आ की मात्रा या, बरसाया, बरसाया, गरज गरज कर जल बरसाया, गरज गरज कर जल बरसाया। ओके दूसरी लाइन हो गई, अब तीसरी देखेंगे, छ छ प छप, छ ये छ है ये प है, छप छ प छप, क र तम आ की मात्रा ता करता, क में आ की मात्रा ग में आ की मात्रा कागा, य आया, अमे आ की मात्रा, अमे आ की मात्रा आ, य में आ की मात्रा या आया, इसको क्या बोलेंगे आया। ठीक है, छप छप करता कागा आया, छप छप करता कागा, छप छप करता कागा आया, ब रम आ की मात्रा डा बड़ा, ब ये ब है, रम आ की मात्रा डा बड़ा, म जम्या की मात्रा जा मजा, मजा आया, अमे आ की मात्रा यमे आ की मात्रा आया, ब रम आ की मात्रा डा बड़ा, म जम्या की मात्रा जा मजा आ या आया। ओके तो ये रहे आप लोग के कविता, मैं आप लोग को फिर से पढ़ाऊंगी, दो तीन बार पढ़ा दूंगी जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके तो देखिए, आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया, छप छप करता कागा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया, छप छप करता कागा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओके तो हम आप हमारे साथ फिर से बोलिए, हम दोनों लोग मिलके क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस कविता को, पढ़ेंगे भी और याद भी कर लेंगे। ओके आसमान पर बादल छाया, आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया, छप छप करता कागा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओके आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया, छप छप करता कागा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओके तो आप लोग पहले नोट करिए फिर हम लोग
और पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे। आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया, छप छप करता कागा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। आप लोग पोयम समझ गए होंगे, तो आप मेरे साथ फिर से बोलिए। इसी पोयम को हम बार बार पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, जिससे कि आपको जल्दी से याद हो जाए। ओके, तो बोलिए मेरे साथ। आसमान पर बादल छाया, आसमान पर बादल छाया, आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया, छप छप करता कागा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। कागा मीन्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कागा मीन्स क्या होता है? कौवा, क्रो होता है ना, वही क्रो, उसको कागा बोलते हैं। ठीक है, तो ये करता क्या है? आ की मात्रा से है, हमको आ की मात्रा लिखना सिखाया है, बताया है कि हम कैसे आ की मात्रा से वाक्य बनाएंगे। और इस पोयम में क्या है? बारिश का मौसम है, जिसमें क्या है, थोड़े एक आदमी और दो बच्चे क्या कर रहे हैं, बारिश में भीग के इंजॉय कर रहे हैं, यानी खुश हो रहे हैं। और एक कागा आता है, क्या करता है? छप छप करता हुआ पानी में ऐसे ऐसे जब हम करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, तो कैसा हो जाएगा? छपका हुआ जाता है, कैसा? छपका हुआ। तो वही लिखा हुआ है कि छप छप करता कागा आया, आसमान पर बादल छाया। मतलब क्या हुआ? आसमान पे क्या हुआ? बादल छाए हुए हैं। क्या हुआ है? बादल, बादल मीन्स होता है क्लाउड, आसमान मीन्स होता है स्काई। क्या होता है? स्काई। छाया मतलब जब बारिश का मौसम होता है तो कैसा रहता है बादल? एकदम काला काला बादल आता है, फिर बारिश होता है। ओके, गरज गरज कर जल बरसाया, गरज गरज कर, जब बारिश होती है तो बादल के का आवाज कैसा होता है? गरजने जैसा, आप लोग भी सुने होंगे ना, बहुत ज्यादा डरावनी भी होती है, कभी कभी बहुत तेज होती है आवाज, तो गरजना उसी को बोलते हैं। जब बादलों से जो आवाज आती है, बारिश के दिनों में जो बादलों से आवाज आती है, उसको बोलते हैं गरजना, यानी साउंड करना। वो बादलों का साउंड होता है कैसा? गरजने के जैसा। अब देखिए, गरज गरज कर जल बरसाया, यानी गरज गरज कर बहुत ही साउंड के साथ क्या करा वो? बादल जल बरसाया। बादल क्या बरसाया? जल। देखिए, छप छप यानी छप छप, पानी में हाथ पर मारते हुए क्या, कौन आया? कागा आया। छप छप करता कागा आया, कौवा आया, क्या आया? कौवा आया। अब देखिए, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। मतलब क्या हुआ? जब पानी में बच्चे खेल रहे हैं तो क्या हो रहा है? बहुत उन लोगों को मजा आ रहा है। ओके, तो देखिए एक बार और हमारे साथ पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया, छप छप करता कागा आया। जल मतलब क्या होता है? वाटर, यानी जो बारिश गिरती है ना, वही जल यहाँ पे लिखा हुआ है, जल बरसाया। छप छप करता कागा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओके, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए और जल्दी से याद भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छा कविता है। ओके, जल्दी से याद करिए। अब देखिए आपके बुक में देखिए, ओके, ये देखिए, ये पूरा चित्र कैसा बना हुआ है? बारिश का है। यहाँ पे देखिए कागा यानी कौवा, ओके, जिस लिखा है ना, छप छप करता कागा आया। यहाँ पे जो रेड लाइन दिया हुआ है, सारे क्या है? आ की मात्रा बताया हुआ है कि ये आ की मात्रा है, क्योंकि हम आ की मात्रा पढ़ रहे हैं,
इसलिए आ की मात्रा रेड कर दिया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कौवा छप छप करता कागा आया, यानी करता कागा आया, तीनों में क्या है आ की मात्रा है, यानी रेड लाइन से दिया हुआ है, इसलिए आ की मात्रा यहाँ पे बताया है। बड़ा मजा आया, यानी ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ओके, किसको इंजॉय कर रहे हैं, बारिश को। ओके, बारिश को इंजॉय कर रहे हैं। तो आप 1 2 3 4 ये मैं 4 लाइन पढ़ाई हूँ, आप लोग इसको क्या करिएगा जल्दी से याद कर लीजिएगा। ओके,